तो वहीं पानसेमल में भक्तों ने माता के दर्शन के लिए गायत्री मंदिर से पदयात्रा निकाली, जिसमें क्षेत्र के श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। भक्त गायत्री मंदिर से शोभा यात्रा निकालकर कांवड़ एवं माता सप्तशृंगी की पालकी लेकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए दुर्गा मंदिर पहुंचे, जहां थाना प्रभारी लखन सिंह बघेल द्वारा माता की आरती करते हुए पदयात्रियों को रवाना किया गया। मंडल के प्रमुख भटू महाराज ने बताया कि पदयात्रा का मंडल का ये 51वां वर्ष है और 2 साल के लंबे अंतराल के बाद ये यात्रा श्रद्धालु के साथ प्रारंभ की गई है। ये परम पूज्य उखा जी महाराज ब्रह्मलिंग जलगुण वाले, उनके मार्गदर्शन में यात्रा का आयोजन हो रहा है। मध्य प्रदेश के पहले कांवड़ यात्री थे जिन्होंने उज्जैन से यात्रा शुरू करी थी। आप छोटे छोटे मंडल अपने अपने रूप से ये कांवड़ यात्राओं का आयोजन करते और अपने अपने गांव से ये यात्राएं निकलती। ये कोजागिरी पूर्णिमा के दिन सप्तशृंगी पर ये यात्रा पूर्ण होती है और कोरोना के कारण काफ़ी संख्या 2 साल से कम थी, पर इस साल सभी मंडलों में अच्छी संख्या के साथ माता जय जयकार करता हुआ ये यात्रा सप्तशृंगी पर पहुंची।